नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि देश की संस्कृति में नफरत और अलगाववाद का कोई स्थान नहीं है। मजबूत झारखंड के निर्माण के प्रयास लगातार जारी हैं ताकि जिस मकसद से इसे अलग राज्य बनाया गया था वो पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि शहरों में हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्राइवेट क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा वेतन वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का कानून बनाया गया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि नए रोजगार कानून के तहत प्रत्येक कंपनी को 40,000 रूपए तक के मासिक वेतन वाले पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करना होगा। सोरेन ने कहा कि मैंने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में जो भी खाली पद है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 37,000 पद खाली हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर इन पदों पर नियुक्ति के लिए अगले 6 माह में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सोरेन ने कहा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान आदिवासियों और दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। उन्होंने भगत सिंह के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि हम इस लक्ष्य को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण को रोकने में सफल नहीं होते। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि खरीफ सीजन में कम बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है। फसल राहत योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। 2021-22 के खरीफ सीजन में राज्य ने 74.16 लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,583 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और लोकतंत्र की नींव पर एक मजबूत राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूत और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं जिनके लिए एक अलग राज्य बनाया गया था। हालांकि अब ये देखना होगा कि सरकारें तो वादे और घोषणाएं बहुत करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।